हम यहाँ तक ले पहुँचे तो हम आप लोग के दुआ मांग के भगवान के दुआ मांग से उनके शिक्षा मांग। अब जब हमने का सपोर्ट बा कि जब पेपर जब छाड़ हो लो तो भगवान कामयाब कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया, मैं हूँ आपके साथ बिमलेश कुमार। इस वक्त जनपद बलिया के जो है हम लोग एक ऐसे जगह पे हैं जो शायद कहीं ना कहीं ये इलाका एक ग्रामीण इलाका है और कहा जाता है कि जो एक पिछड़े जो है इलाकों में एक ऐसे जो है हुनरबाज और एक जज्बे को लेकर जो चलने वाले कहीं ना कहीं अपने एक क्षेत्रों का नाम रोशन करने में अपना सतत जो है मेहनत करते हैं और लगातार रहते हैं। और ये दो बच्चियां हैं जो सामने दिख रही है और शायद अपने इस ज़िले के साथ प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए लगातार जो है अपना मेहनत करती जा रही हैं। और एक देखा जाए कि रेस में ये लोग जो है अभी हाल ही में कलकत्ता से ये लोग पोजीशन थर्ड पे आई हैं और शायद इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का जो है रेस में जाके कौन से स्टेप से इन लोगों का शुरुआत हुआ, आखिर का पहला पड़ाव कहाँ से था। सबसे पहले इन लोगों से जानकारी लेंगे, क्या नाम पड़ेगा? नेहा यादव। आप लोग का जो है ये रेस में कब से जो है आना पड़ा? 2021। और पढ़ाई का अगर देखा जाए तो कौन से क्लास में है? 10th। अभी हाल ही में कौन से जगह से आपने रेस में भाग लिया था? कलकत्ता। कौन से पोजीशन रहा? थर्ड पोजीशन रहा। इससे पहले शुरुआती कहाँ से था? बलिया से। कौन से पोजीशन से आपने शुरुआती किया था? थर्ड। तो ये रहा कि कहीं ना कहीं शुरुआती आप लोगों का एक ऐसा था अच्छे माध्यम, क्यों आपने यही चुना कि एक रेस जो है हमें इस क्षेत्र में आना चाहिए? क्या लगा जैसे पढ़ाई के साथ इसे चुनने का एक, क्या एक अलग ख्वाब है, क्या एक सपना है? नेशनल में मेडल देना। नेशनल में। इन लोगों के माँ पिता जो है पूरा अगर देखा जाए तो सपोर्ट साथ में रहता है, घर परिवार का पूरा सपोर्ट है? हाँ, और हमारे कोच मुकेश सर का। ये लोग एक नेशनल स्तर पे एक अच्छे खिताब जीतने का, एक अच्छे जो है पैदान पे पहुँचने का प्रयास करते हैं। इनके घर के जो है जो परिवार है उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा? दशावती। कार लगेगी? हमारे नातिन। बड़ा मेहनत करके पूरा गांव का जो है नाम रोशन करने के लिए ये अपना रेस में जो है भागीदारी निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। आप लोग के जमाने में तो ऐसा कम ही देखने को मिलता था। हम इनके जमाने में कहाँ रहे, बल्कि जमाना अनुसार चल रहा बा, जमाना अनुसार कर रहा बा आदमी। हाँ। आप लोगों के समय एक ऐसा था कि जिसमें लोग अपने कामों में व्यस्त ऐसे थे कि खेती बाड़ी और पेट का जो जीविका चलाने में लोग जुड़े रहते थे? खेती बाड़ी सबसे तबाह है, बल्कि देख के दुनिया के सृष्टि के पीछा से बोल दे रहा है। हाँ। अच्छा, क्या मानना है आपका कि वो पिछले में जो समय था आप लोग का, जो जमाना था एक वक्त कहा जाएगा, तो उस समय इतना छूट इतना फ्री था कि बच्चों को पढ़ा लेना और इतने दूर सफर तक जो है उन लोगों को खेल में आगे तक खिलाने का पहुंचाने का ऐसा माध्यम आप लोग को एक था? इतना मतलब कि जागरूकता नहीं था ना इतना सक्षम लोग थे? कुछ ना, इतना ना, तो इतना रहबे ना कोई। अच्छा, अभी मतलब क्या चाहते हैं कि लड़की मैंने खेलत रहे ना आगे आगे के जन्म में खेल बैठे? अरे आगा खेल रह लो, अपना भविष्य के ताको लो, यहाँ लोग भविष्य तैयार हो जाओ, यही कहना भूख भी है। रवा सबके पूरा सपोर्ट बा कि मैं लड़की आगे बढ़ा सको। हाँ हाँ, आगे बढ़ लो। अब जब हमने का सपोर्ट बा कि जब पेपर जब छाड़ हो गए लो तो भगवान कामयाब कर दे, उतने का भूख भी। क्या नाम पड़ेगा? क्या लगेंगी? हमारे बेटे। आपकी बेटी जी? आपकी बेटी इस समय जो है कलकत्ता से खेल कर आई है, आपको क्या लगा कि अपने बेटी को एक दौड़ प्रतियोगिता में जाने का मौका दी? जी। तो अच्छा, पढ़ाई के मतलब खेल के साथ साथ पढ़ाई भी चल रहा है इनका ना, जारी है? जी। अच्छा, कहीं ना कहीं इनको पढ़ाना भी चाहती होंगे अच्छे तरीके से आगे तक भी? वो जो उनका इच्छा करने वो हम भगवान मतलब का दोनों कार्य चलता दोनों कर रहे हैं जब तक लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे जी।
जब तक ले पढ़ेंगे तब तक ले पढ़ाएंगे, जब तक ले कहेंगे कि मम्मी हम यहाँ तक ले पहुँचे, तो हम आप लोग के दुआ मांग के भगवान के दुआ मांग से उनके शिक्षा मांग दे। ऐसे ही माता पिता का कहीं ना कहीं बच्चों पे उतना जो है एक साया होना चाहिए, जो कि बच्चे कुछ अपने भविष्य के लिए अपने माँ पिता के सपने को साकार करने के लिए पूरे आगे बढ़ सके। और सबसे पहले कहीं ना कहीं एक अपने जो है करियर को देखते हुए और जिस मुकाम को हासिल करने के लिए सतत प्रयास कर रही है, सबसे पहले आपसे जानकारी लेने का नाम पड़ेगा। स्नेहा यादव। और ये दौड़ प्रतियोगिता क्यों चुनी, क्या लगा कि हमें इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए? दौड़ को आपने करियर समझा, भविष्य समझा? हाँ। तो पढ़ाई का मतलब कहाँ तक है आपका? इस बार 9th में थे, अब 10th में जाने वाले। कौन से लेवल पर खेली हैं? डिस्ट्रिक्ट, राज्य स्तरीय। अभी कहाँ से मतलब खेल कर आई हैं? लास्ट कोलकाता था। कोलकाता, कौन सा पोजीशन रहा? सेकंड। कौन से जो टीम थी, कहाँ से थी? टीम बनारस, लखनऊ, दिल्ली, मतलब हर जगह से टीम थी। क्या एक सोच है, एक ख्वाब लेकर चल रही हैं? हमारे सर का ख्वाब है कि हमारी स्टूडेंट ओलंपिक खेले। और अपना विचार क्या है कि हमें क्या कर दिखाना चाहिए? सबका सपोर्ट है, माँ पिता का सपोर्ट है, कोच सर का सपोर्ट है, लेकिन आप लोग ऐसे सपोर्ट पाने के बाद क्या लगता है कि खेल को जो है कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक अच्छा जो है पैदान पे पहुँचाने का काम करेंगे? हाँ, हमारे सर सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर ओलंपिक में मेडल देंगे, सर का तो सपोर्ट रहता है पूरा। अच्छा, ओलंपिक खेलने का जो है कहीं ना कहीं एक ख्याल है कि हम ओलंपिक तक पहुँचे, वो अवसर मिले ताकि ओलंपिक में कुछ कर दिखाएं। हाँ, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम मेहनत कराते हैं सर, ऐसे ही कराएंगे तो हमको विश्वास है कि एक दिन ओलंपिक खिला देंगे सर। मेरा नाम मुकेश यादव पड़ेगा जी, जो गर्ल सेकंड में चलाते हैं, ब्लॉक चिलकाहर में आता है। चिलकाहर जी। मेरा बचपने से ये था कि हम एक प्लेयर बनेंगे, वो प्लेयर नहीं बन पाए तो यही सोचे कि गांव-गांव से प्लेयर निकालेंगे। अच्छा, एक बचपन से सपना था कि हम भी एक प्लेयर बनेंगे जी, खिलाड़ी बनेंगे। तो कौन से गेम का प्लेयर बनना? वही मेरा यही था, स्प्रिंटर, 100 मीटर वेन करते थे, 100 मीटर 200। तो हम 100 मीटर छोड़ दिए और गांव-गांव से बच्ची आने लगी तो उन लोगों को वर्कआउट कराने लगे। तो हमारे यहाँ जो भी लड़कियाँ प्रेस्टी करती है तो लॉन्ग रेस के करती है। अच्छा, एकेडमी सर मतलब कब से चला रहे हैं ये एकेडमी? का 6 साल हो गया सर। 6 साल हो गया जी। और 6 साल में अच्छा रिजल्ट भी है, जो 42 किलोमीटर इंदिरा गांधी फुल मैराथन हुआ था उसमें संध्या नाम की लड़की उसका मेडल था। स्टेट में भी हुआ, उसमें भी। अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम हुआ, ऑल इंडिया जो गेम हुआ था यूनिवर्सिटी, उसमें भी मतलब मेडल पड़ा था जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो गांव-गांव में प्लेयर है, बस यही है कि गार्जियन का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोच का सपोर्ट है, गार्जियन का सपोर्ट नहीं है तो नहीं हो सकता है। अगर गार्जियन का सपोर्ट है, कोच का नहीं, तभी नहीं हो सकता है। अच्छा, जिस गेम से आपने एक ख्वाब रखे थे कि हमें भी ऐसे प्लेयर होना चाहिए, क्या लगा कि आज जिस बच्चों को आप प्रैक्टिस कराते हैं उनको भी उसी गेम से ताल्लुक रखते हैं? क्या चीज़ का? जैसे आप बता रहे हैं कि हमें भी एक कहीं ना कहीं ये लगा कि एक रेस में जो है हमें भी एक प्लेयर जो है उस तरह से एक स्टैंड होना चाहिए था, ऐसा एक आपका जो सोच था, फिर जो है आप प्रैक्टिस कराते हैं, जो बच्चों को तैयारी कराते हैं उन लोगों को यही रेसी में आप लोग इसी क्षेत्र में क्यों लेकर आते हैं? और तो गेम है, बहुत गेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज की डेट में क्रिकेट हाईलाइट चल रहा है। अगर गांव-गांव में देखा जाए तो कहीं भी मतलब नाम जिससे बहुत इसका फोकस है, बहुत सारे हैं, जी, है जी, जी जी, लेकिन देखा जाए तो ओलंपिक जो गेम होता है, मुझे बहुत दुख होता है कि अभी जो गणना हुआ था उसमें भारत 1 नंबर पर है जनसंख्या के दृष्टि से। तो इतना सब कुछ होते हुए फिर भी हम लोग का देश इतना पीछे है, जो ओलंपिक में हुआ था जो 54 स्थान पर हम लोग का स्थान था। तो हम यही सोचते हैं कि कम से कम प्रयास करें तो गांव ग्रामीण से बच्चे तो कम से कम नेशनल तक खेल लेंगे। और हम चाहेंगे कि इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जिस क्षेत्रों में अगर उपस्थिति होगी और जो भी अपना एक गेम को लेकर जो भी अनुभव रखते हैं और उस क्षेत्रों में अगर वो लोग अपने निचले स्तर को भी मजबूत अगर करना शुरुआत कर दे तो कहीं ना कहीं हमारा भारत हर कोने में वैसे जो है एक प्रतिभागी दिखेंगे, जो हर खेल का माध्यम जो है उनका एक छोटा जो क्षेत्र होता है वहीं से शुरुआत होता है जी। और क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे दर्शक हैं जो काफी खेलों से रुचि रखते हैं और क्रिकेट तो लोकप्रिय जी? हम तो यही कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, क्योंकि अब सरकार भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पहले ईपी पुलिस में पहले वैकेंसी नहीं आता था, लेकिन अब
जो पेपर में अनाउंस हुआ था कि अभी स्पोर्ट्स से ईपी पुलिस में भी वैकेंसी आएगी, तो हमको अच्छा है कि इसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे आगे जाएंगे, क्योंकि जो नेशनल तक खेले हैं उनको जॉब भी मिलना ज़रूरी है, तभी तो लोग मनोबल बढ़ाएंगे, विश्वास करेंगे। यही कहना चाहिए। इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।